इस फैक्ट के बाद भी जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो आपको छोटा लगेगा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जब आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हो तो यहाँ पे टाइम लैग होता है लगभग 2 आवर्स का, 2 घंटे के टाइम का डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से जो टाइम के लिए टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पर, ये वाला 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया, विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। और इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया पूरे कंट्री के लिए। द लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो है इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये जो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन है यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो ये डे और नाइट के जो ड्यूरेशन है उसको अफेक्ट करता है जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। जितना हम साउथ में होते हैं वहाँ पर डे और नाइट के जो आवर्स हैं वो लगभग सेम होते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनके ड्यूरेशन में डिफरेंस आता चला जाता है। ओके, फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो इंडिया है, इंडिया इज़ द लैंडमास हैज़ द सेंट्रल लोकेशन, इंडिया जो है एक ऐसा लैंडमास है जिसके सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में, और ये जो है इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, और जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं जो यूरोप को, जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं वेस्ट में और जो ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अगर आप देखेंगे तो जो डेक्कन पेनिनसुला है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है इंडियन ओशियन में, तो इंडिया को क्लोज कॉन्टैक्ट रखता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से, वेस्टर्न कोस्ट से और साउथ, वेस्टर्न कोस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया से। जब आप वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो ये जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है वो कनेक्ट होगा यूरोप से, अफ्रीका से और वेस्ट एशिया की तरफ से, और जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वो कनेक्ट करेगा ईस्ट एशिया से। तो कोई भी जो कंट्री है, नो अदर कंट्री हैज़ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज़ द एमिनेंट पोजिशन इन इंडियन ओशियन एंड इट जस्टिफाइज द नेम ऑफ एन ओशियन। आप ये देखिए यहाँ पर इसके इंडिया की जो पोजिशन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट इंडिया को यूरोप से, यहाँ से, अफ्रीका से और ना वेस्ट एशिया से, इन सब से कनेक्ट रखता है, और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इंडिया को ईस्ट एशिया से कनेक्ट रखता है। तो इंडिया की बहुत एमिनेंट पोजिशन है, और ये वाला जो इंडियन ओशन का जो ये जो वाटरी एरिया है, ये ट्रांस वाटरी एरिया जो है, ट्रांस वाटरी रूट जो है वो शिप्स के आने जाने के लिए और फॉर द व्यू ऑफ इकोनॉमिकली है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये जो वाटरी एरिया है ये कई कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। नाउ अब हम समझेंगे कि इंडिया का जो जो ट्रेड है, रूट है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स में जो इंटरनेशनली इंडिया किस तरह से कनेक्टेड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया के एयर रूट्स हैं जो कि बाहर के कंट्री से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये वाटरी रूट्स हैं। ये आप वाटरी रूट्स देख रहे हैं, स्विच कैनाल यहाँ से होते हुए, स्विच कैनाल से होते हुए इंडिया जो है यहाँ पर, यहाँ से कनेक्टेड है अपने साउदर्न पॉइंट से, और उसके बाद श्रीलंका से कनेक्टेड है। तो इस टाइप से इजिप्ट से लेकर और वहाँ से और यहाँ तक का सीधा कनेक्शन है। फिर आप यहाँ तंजानिया से देखेंगे, तंजानिया से मुंबई का कनेक्शन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यमन से लेकर भी मुंबई का पूरा सीधा कनेक्शन है। फिर यहाँ से भी मुंबई से ये कनेक्टेड है सीधा मलेशिया से, और इसी टाइप से ये और भी बहुत सारे कंट्रीज से कनेक्टेड है। ये कोलकाता से भी कनेक्टेड है, कोलकाता भी जो है वो थाईलैंड से भी कनेक्टेड है। इस तरह से वाटरी रूट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाटरी रूट्स हैं जिनसे इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इंडिया की जो कॉन्टैक्ट्स हैं वर्ल्ड में वो बहुत एजेस से, बहुत लंबे टाइम से बने हुए हैं, और इनकी जो रिलेशनशिप है वो लैंड रूट से बहुत ज़्यादा पुरानी है। इंडिया का अफगानिस्तान से, ईरान से लैंड रूट से ही पहले आ जाया करते थे। जब
सिल्क रूट वगैरह जब हुआ करता था तब जो जितने भी बिजनेसमैन थे वो यहाँ से आते थे और बहुत सारे पासेस से होकर उनको गुजरना पड़ता था, माउंटेन से पासेस से इन द नॉर्थ विच हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर। पुराने ज़माने में इसी आना एरिया से जब आया करते थे, जब वाटरी रूट्स जो है या जो ओशियंस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड थे फॉर इंट्रैक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम, अब ये जो रूट्स थे दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज़। ये वाले जो रूट्स हैं इनकी वजह से कई आइडियाज़ और कम्युनिटीज़ जो हैं पुराने टाइम में वो एक्सचेंज हुआ था उनका। जैसे जो उपनिषद और रामायण का जो आइडिया है और पंचतंत्र की जो स्टोरीज़ हैं, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में पहुंच पाए, स्पाइसेस, मुस्लिन एंड मर्चेंडाइज, ये जो है इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाया गया। इसी टाइप से जो ग्रीक स्कल्पचर थे और जो आर्किटेक्चर स्टाइल था डोम का और मैनरेट्स का, वेस्ट एशिया से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आप देख सकते हैं। इसी टाइप से इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स और है ना यूनियन टेरिटरी हैं, और इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं है ना वो कौन कौन से कंट्रीज से लगती हैं, देखिए पाकिस्तान से, इधर नेपाल से, फिर भूटान से, चाइना से, फिर श्रीलंका से, ठीक है, ये सारे म्यांमार से, फिर इधर है ना म्यांमार आ जाता है, म्यांमार से भी है ना हमारी जो कंट्री की बॉर्डर है वो कनेक्टेड है, देन बांग्लादेश से, बांग्लादेश से भी कनेक्टेड है हम, भूटान से भी कनेक्टेड है हम, तो इस टाइप से हमारी जो बॉर्डर है वो नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इनसे कनेक्टेड है ना, नेपाल भूटान, नेपाल और भूटान से नॉर्थ में कनेक्टेड है, म्यांमार बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्टर्न में कनेक्टेड है, ठीक है, और जो साउदर्न नेबर्स हैं वो हमारा है श्रीलंका और मालदीव्स, श्रीलंका है और मालदीव्स है, ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, साथ में चाइना है। अब इसके बाद में जो श्रीलंका है वो एक नैरो चैनल ऑफ सी जो है केवल उसी से सेपरेटेड है जिसका नाम है पर्ल्क स्ट्रेट, पर्ल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स जो है दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके साउथ में मालदीव्स लोकेटेड है, और जो श्रीलंका है वो सेपरेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार से और पर्ल्क स्ट्रेट से, ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो ज्योग्राफिकल लिंक्स हैं, हिस्टोरिक लिंक्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और जो नेबर्स हैं उसमें इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले है ना नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक हमें ये पिंक बॉक्स और लेना है, 1947 में देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तब दो टाइप के स्टेट थे, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जो है देवर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, उनको ब्रिटिश ऑफिशियल ही रूल करते थे जो वायसराय अपॉइंट करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स जो है वो लोकल्स और हेरिडिटरी रूलर्स के थ्रू रूल्ड किए जाते थे, एंड उनको एक्नॉलेज किया जाता था सोवरेनली इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, जो कि लोकल ऑटोनॉमी के लिए के उसमें जो उनकी सोवरेनिटी एक्सेप्ट की जाती थी। तो इस टाइप से हमने ये चैप्टर आज फिनिश किया है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, थैंक यू।